मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन बीते दिन इंदौर में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। यहां उन्होंने कांग्रेसियों से मुलाकात की और कहा कि जो संविधान के खिलाफ होगा हम उसका विरोध करेंगे। प्रदेश के गृह मंत्री बोले कि माफियाओं पर कार्यवाही लगातार चलती रहेगी। पुरानी सरकारों के शासन में जिस तरह भूमाफियाओं को पनाह दी गई, कमलनाथ सरकार उनका संरक्षण हटाएगी। गुंडों द्वारा जबरिया कब्जे किए हुए प्लॉट धारकों को भी उनके मकान और प्लॉट वापस दिलाए जाएंगे। सामने घर टूट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर गिरफ्त में तो है नहीं बड़े माफिया आपकी पुलिस। आज हमारी कार्रवाई चल रही है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी माफिया हमारी गिरफ्त में आने से बच नहीं पाएगा। ध्यान रखना, सब जैसे जबलपुर में जिस तरह कैसे पुलिस में कर्फ्यू लगाया गया उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में और कहीं और भी देखी जाएगी? जबलपुर में चूक कैसे हो गई आपसे? देखिए, पूरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर हमारे कंट्रोल और हमारे हाथ में और नियंत्रण में है और सतत हम लोगों की मॉनिटरिंग चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी की और हमारी सतत इस पर निगरानी है और सब मतलब सभी पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे मध्य प्रदेश में स्थिति हमारे कंट्रोल और नियंत्रण में है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेने का काम करेगा, कानून उनको कार्रवाई करने से बख्शेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं। और हमने हमारे इरादों को स्पष्ट कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पिछले भाजपा की सरकार में पूरा मध्य प्रदेश जो अपराधियों का गढ़ बन चुका था, गुंडों का गढ़ बन चुका था, और देखो हजारों करोड़ की ज़मीनें हमने उनसे मुक्त कराई है, ये बड़ी कार्रवाई है और ये निरंतर जारी रहेगी और कोई भी हमारी कानूनी कार्रवाई से कोई बच नहीं पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, साफ निर्देश माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के हैं और हम लोग शक्ति से उसका पालन कर रहे हैं और करवा रहे हैं।